अलीगढ़ शराब कांड में अब तक 71 लोगों की संदिग्ध मौत। अलीगढ़ के सीएमओ डॉक्टर भानु प्रताप सिंह ने बीपी गंगा से खबर की पुष्टि की। 71 शवों का अब तक किया गया है पोस्टमार्टम। जानकारी देश में बीते 24 घंटों में 1,52,734 नए केस, एक दिन में 3,128 लोगों की मौत। सीएम योगी के 3T फॉर्मूले से हिट हुआ यूपी मॉडल, 24 घंटों में 1,497 पॉजिटिव केस ही आए, 3,12,000 लोगों का हुआ था टेस्ट। केजीएमयू में ब्लैक फंगस से अब तक 218 मरीज भर्ती, 24 घंटे में 11 मरीज हुए भर्ती। प्रदेश सरकार ने कोरोना कर्फ्यू बढ़ाया, 8 जून तक कोविड कर्फ्यू रहेगा, नई शर्तों के साथ एक हफ्ते बढ़ाया गया कोविड कर्फ्यू। यूपी में 15 जून से पटरी दुकानदारों, रिक्शा ठेला और टेम्पो चालकों को भी लगेगा टीका, पूरे प्रदेश में चलाया जाएगा विशेष अभियान। सीबीएसई और आईसीएसई की 12वीं की परीक्षाएं रद्द करने की मांग पर सुनवाई फिर से टली, 3 जून को होगी मामले की अगली सुनवाई। कोरोना पर मुख्यमंत्री योगी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कुछ लोग देश को बदनाम करने की रच रहे थे साजिश, वैक्सीन को भी बीजेपी का टीका बताते थे। टिहरी दौरे पर सीएम तीरथ सिंह रावत, कोविड सेंटर में मरीजों का जाना हाल, टिहरी में 95 करोड़ की योजनाओं की सौगात। दिल्ली में आज से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू, पहले हफ्ते में फैक्ट्री और निर्माण गतिविधियों को ही इजाजत। नैनीताल हाईकोर्ट में 4 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित, 5 और 6 जून को शनिवार और रविवार को कोर्ट रहेगा बंद, 7 जून से खुलेगा। उत्तरकाशी में भागीरथी नदी पर केदार घाट पर अधजले शवों को नोच रहे हैं कुत्ते, शव को कुत्तों के नोचने का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल। कासगंज के अमापुर से बीजेपी विधायक देवेंद्र प्रताप सिंह की हार्ट अटैक के चलते निधन, 55 साल की उम्र में आखिरी सांस ली। आईपीएस मणिलाल पाटीदार पर कसेगा शिकंजा, पाटीदार पर इनाम की रकम बढ़ाकर की जाएगी 1,00,000 रुपए, पाटीदार की गिरफ्तारी के लिए एक बार फिर राजस्थान जाएगी यूपी पुलिस की। अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो का चौंका देने वाला दावा, वुहान लैब चीन का रिसर्च सेंटर नहीं, सैन्य गतिविधियों का केंद्र, लैब से ही कोरोना महामारी पैदा हुई। कौशल विकास मंत्री कपिल देव अग्रवाल का असदुद्दीन ओवैसी पर पलटवार, विवादित पोस्ट को लेकर ओवैसी को चेतावनी देते हुए कहा मुजफ्फरनगर की जनता को भड़काने का काम न करें। बाराबंकी में 5 साल की मासूम से हैवानियत, बच्ची की बेरहमी से की गई हत्या, हत्या के बाद तालाब में फेंका गया शव। हमीरपुर में फर्नीचर की दुकान में लकड़ी का दरवाजा चोरी, सीसीटीवी में चोरी की वारदात खैर। देवरिया में अवैध शराब का धंधा जोरों पर, मंत्री जयप्रकाश निषाद के गांव में छापेमारी में मिली नकली शराब। फिरोजाबाद की रसूलपुर पुलिस ने मादक पदार्थ और सट्टा का कारोबार करने वाले एक शख्स को किया गिरफ्तार, आरोपी के पास से 1 किलो 400 ग्राम चरस बरामद। हमीरपुर के बीमार में शादी समारोह में उड़ी कोरोना की नियमों की धज्जियां, बार बालाओं ने शादी समारोह में जमकर लगाए ठुमके। हिमस्खलन के चलते 30 फीट बर्फ में दबे आदि कैलाश यात्रा मार्ग को खोलने में बीआरओ को मिली बड़ी कामयाबी। यूक्रेन में 184 ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर्स की पहली खेप पहुंची भारत, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता की तरफ से यूक्रेन को दिया गया धन्यवाद। पौड़ी में मुख्य विकास अधिकारी ने ग्रामीण क्षेत्रों में किया निरीक्षण, कोरोना रोकथाम के प्रयासों का ग्रामीणों से लिया फीडबैक। इसी महीने 16वीं बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े, पेट्रोल 25 से 31 पैसे प्रति लीटर तो डीजल 25 से 29 पैसे प्रति लीटर महंगा।